उसके बाद कपाटन राष्ट्र के अंदर अजवाइन जींस के विशिष्ट मंत्री अलग से, उसके बाद भीमगढ़ में ये सीनियर माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय खोलने का, और पशु विकास हेतु जो रूरल लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर है ऐसे इस क्षेत्र के अंदर करीबन 10 सेंटर खोलने का सोच। इसके साथ साथ हमने 3-4 नई चीजें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले भामाशाह की योजना है। ये भामाशाह की योजना आपने इस इलाके के अंदर 1 सितंबर से चालू हो जाएगी। घर की महिला के नाम पर है, आपको कार्ड मिलेगा महिला के नाम पर, उस कार्ड पर उसके पूरे परिवार के नाम भी होंगे। अगर किसी को सिंगल कार्ड अलग से लेना है तो उसको उसके लिए आपको 25-30 रुपए देने होंगे। अगर फैमिली कार्ड लेना है तो वो फैमिली कार्ड फ्री है। और मेरा मानना है कि अगर आप ये भामाशाह के अंदर जाके और अपने कार्ड बनवाते हो तो उसका बहुत फायदा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर जो आपके स्वास्थ्य बीमा है वो भी हमने लगाई है 30,000 रुपए छोटे मोटे काम के लिए, और अगर कैंसर बड़ी बीमारी है तो 3 लाख रुपए तक उसको ले जाने का काम हम लोगों ने किया हुआ। ये आपका कार्ड भामाशाह का है। इसके साथ साथ सरकार आपके बाद ये जो योजना हो रही है, इस योजना के अंतर्गत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों को क्षेत्र के अंदर जाके काम करना है और नहीं कर रहे हैं वो फिर से एक्टिव हो जाए, फिर से क्षेत्र के अंदर जाए। हमें देखना नहीं है कि लोगों के नामांतरण, लोगों के जरिए क्या बोलते हैं, नामांतरण के साथ साथ आपको जो वो खोलना पड़ता है ना, किसी का उन्हें म्यूटेशन खोलना है, म्यूटेशन खोलने की बात है, चाहे आपको ये प्रमाण पत्र लेने की बात है, मृत्यु पत्र पाने की बात है, पेंशन वाली बात है, छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को मिलना चाहिए और जिसके लिए सालों साल घूमना पड़ता है, उसके लिए सबको कह दिया है यहाँ कलेक्टर से नीचे कि सब तबके के जो ऑफिसर्स हैं वो गांव में जाए और गांव की ये जो सुविधाएं हैं उनको अपने क्षेत्र के अंदर निपटाने का काम करें। ये बहुत जरूरी है। चरणों की भूमि के ऊपर अतिक्रमण हुए हैं। आपको मालूम है कि कोर्ट ने हमारे ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, हम लोगों को बताया भी है कि अगर अतिक्रमण चरणों के ऊपर हुए हैं तो उनको हटाने का काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो मैं मान करके अपने आप ही हट जाओ, इन चरणों की जमीनें खाली होनी चाहिए ताकि हमारे गाय बछड़े भैंस सब लोग इसके ऊपर चढ़ सके। इसके साथ साथ यह तय किया है और वो बीकानेर के अंदर भी चालू हो चुका है, जो बीकानेर डिवीजन के अंदर ओपन जो टॉयलेट है, शौचालय, इसके लिए हम लोगों ने चालू कर दिया है। चूरू के अंदर जो ग्राम पंचायत है 250, वो उसके अंदर जो ये शौचालय बने हैं करीबन 67% हो गए हैं, और बीकानेर टोटल 219, वहां करीबन 108 ग्राम पंचायतों के अंदर ये काम हो गया है, और हनुमानगढ़ के अंदर 44 हो चुका है, गंगानगर के अंदर करीबन 80 हो चुका है, और मैंने सबूत कह दिया है कि हमें घरों के अंदर ये शौचालय बनाने का काम बहुत जल्दी शुरू करना है। अगले 2 साल के अंदर मुझे कहीं भी महिलाओं को बाहर गांव में जाने की जरूरत न हो ऐसी स्थिति पैदा करनी है। पाली के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है, 320 ग्राम पंचायत के 10 ब्लॉक हैं, वहां 25 जून को हम लोगों ने चालू किया है। निर्भर भारत और मनरेगा का पैसा हमने उनको इकट्ठा किया है। 3 ग्राम पंचायत के अंदर वो काम पूरा हो चुका है। 6 ग्राम पंचायत के अंदर अगस्त के अंत तक खत्म हो जाना चाहिए। 5,000 रुपया प्लस टॉयलेट ये गांव के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। कोई भी पैसा आपको मिलेगा नहीं जब तक वो टॉयलेट तैयार नहीं हो जाता, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके बाद आपको 12,000 रुपए हाथ में मिलेंगे। ये काम हम लोगों ने चालू कर दिया है। मैंने अभी उदयपुर के अंदर जहां ये शौचालयों के अंदर एक दफा उनका जायजा लिया था तो मैंने देखा कि कई जगह पे तो आराम मिला है लोगों को, महिलाओं को, परंतु कई जगह के अंदर उन्होंने स्टोर बना के रखा था, तो अपना सामान उसके अंदर भर के रख दिया है। अब यह नहीं होना है, सब लोगों को मेरा यह आग्रह है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने अपने आप से लिया है, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको इज्जतदार बनाने का काम ये प्रोग्राम के द्वारा हम करने वाले हैं। तो आपकी मदद चाहिए मुझे, और
अपने पूरे क्षेत्र के अंदर हम इनको बनाना बनाने का काम करें, यह मैं विश्वास लेके यहां से जा रही हूं। सब लोगों को उसके अंदर लगना है, सब अपने एमएलए वगैरह सब लोग उसके अंदर लगेंगे। तो एक तो यह हुआ, एक गांव के अंदर जाने का हुआ, एक भामाशाह की योजना हुई आपकी, और ये तो शुरुआत है भाइयों। मैंने सबको कह दिया है कि मेहनत करना है। एक बात मैं और कहूंगी, मैं हर मीटिंग में यह बात कह रही हूं कि जातिवाद और मजहबवाद को हम लोगों को अलग छोड़ना है। अगर वाकई में राजस्थान को और हमको अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है भाइयों, तो ये लड़ाई झगड़े के काम अलग करो और सब लोग मिलकर साथ अपने विकास करने लग जाओ। विकास विकास और विकास ये जब होगा तो राजस्थान का यह पूरा परिवार आगे बढ़ेगा और आपके सबके ये क्षेत्रों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। अब मैं देख रही हूं कि मैं 8 महीने से धोबी दौरा करती हूं, भरतपुर का हो गया, बीकानेर का हो गया, अब उदयपुर का हो गया। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं साहब 8 महीने हो गए। मैंने कहा 7 साल हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। आपने मुझे 5 साल के लिए वोट दिया है, 5 साल के अंदर आपको अपने पैर पे खड़ा करके छोड़ने का काम मैं करूंगी, पर थोड़ा सा धैर्य रखने का काम आप लोगों को करना हो। इसके साथ साथ मैंने कह दिया है कि 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का इंतजाम आगे 5 साल के अंदर हमारा होने जा रहा है। सबको तय कर दिया, मैंने कह दिया कि मेहरबानी करके सरकारी नौकरी अलग अकेले नहीं है, सरकारी नौकरी के साथ साथ अपने पैर पे खड़ा होना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर सेल बनाने का काम चालू किया है और उसके साथ साथ इस तरीके से कंपनी से चंद लगा के प्राइवेट तरीके से जोरदार तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लोगों को नौकरी देने का काम शुरू किया है। मैं सब लोगों को कहना चाहूंगी कि आप भी इसके अंदर जुड़े। सिर्फ सरकारी सरकारी नौकरी से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने सबको कह दिया कि आप सरकारी नौकरी वाले भी मेहनत करना सीखेंगे, क्षेत्र के अंदर जाएंगे, मेहनत करेंगे और जनता की आवाज को सुन के जनता की पूरी मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, यह मैं विश्वास करके यहां से जा रही हूं। हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी सबको मेहनत करना है। कलेक्टर साहब को मैंने कह दिया है, सब लोगों को एसपी साहब को मैंने कह दिया है, सब पूरे अफसरों को मैं कह के जा रहे हैं कि यह शुरुआत है। हमें बहुत जल्दी इस चीज को देखना है कि जनता के शकल जनता के मुंह के ऊपर खुशी हो, इसी चीज के लिए हम लोग यहां खड़े हैं। आप सब यहां आए, आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं। कुछ कुछ काम अभी होने हैं, कुछ कुछ काम हो चुके हैं, शुरुआत हुई है। मैं सबको फिर से धन्यवाद देते हुए बहुत सारा आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, इतना ही विश्वास है कि जाने में काम अपने होंगे।